दीप्ति शर्मा आज आपको कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र अध्याय 1 के अंतर्गत आपको लेखांकन के लाभ, तो लेखांकन के क्या लाभ होते हैं, इसके पहले आपने लेखांकन की विशेषताएं, परिभाषाएं, अर्थ है ना आदि का अध्ययन किया। आगे पहले वाले पीडीएफ में आप उनको ध्यान से देखोगे, कॉपी में क्वेश्चन आंसर करोगे। लेखांकन से मिलने वाले लाभों का वर्णन निम्नलिखित है बच्चों, तो पहला है व्यापारियों को लाभ, तो लेखांकन से व्यापारियों को क्या लाभ होते हैं, तो भूल से बचाव करने में सहायक, तो ये जो प्रत्येक व्यापार में यह संभव नहीं है, प्रत्येक व्यवहारों में, लेखों में, पुस्तकों में तत्काल लिखा जाना आवश्यक है, इसमें किसी व्यवहार के भूलने की आशंका समाप्त हो जाती है। दूसरा है महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति, लेखों की सहायता से हमें महत्वपूर्ण सूचनाओं की प्राप्ति होती है। व्यापारी अपने व्यापार के क्रय विक्रय, लेन देन, देनदारी, संपत्ति, व्यवक संबंधी अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को क्या करते हैं, सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरा है लाभ हानि का ज्ञान, लेखांकन में लाभ हानि का ज्ञान, उपयुक्त विधि में हिसाब से व्यापारियों की सरलता, व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, हानि होने की स्थिति में वह इसे कारणों का पता लगाकर इसे नियंत्रण स्थापित कर सकता है। फिर चौथा है करों के निर्धारण में सहायक, जो लेखांकन होता है इसका एक लाभ ये है बेटा, व्यापारियों को अनेक करों का भुगतान करना पड़ता है, जैसे आयकर, बिक्री कर, इन करों के निर्धारण के लिए लेखांकन सहायक होता है। ऋणों की सुविधा के लिए, तब जो लेखांकन है उससे ऋण सुविधा के लिए भी आवश्यक है। प्रत्येक ऋणदाता ऋण लेने के पूर्व व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति होता है ना बैंक में ऋण लेने जाता है, सबसे पहले उसकी आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है ना, तथा संतुष्ट होने पर ही ऋण स्वीकार, तब जब पूरा बैंक पता लगा लेता है कि अपन को ऋण वापस मिलेगा, फिर उसके बाद वह दूसरे व्यापारी को, मतलब जो व्यापारी होता है उसको ऋण देने के लिए, मतलब ऋण संतुष्ट, उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद, संतुष्ट होने के बाद ऋण देना स्वीकार करता है, और ऋणदाता को संतुष्ट करने के लिए व्यापार का हिसाब व्यवस्थित रूप से लिखना आवश्यक होता है, तो उसके लिए लेखांकन की आवश्यकता होती है। मतभेद दूर करने में सहायक, व्यापार कभी कभी ग्राहक और व्यापारी के बीच किसी व्यवहार को लेकर मतभेद, मतलब जहाँ पर कोई कार्य है बेटा तो मतभेद के बिना तो कम संभव नहीं ना, क्योंकि सारे लोगों के विचार एक से नहीं हो, तो मतभेद दूर करने में लेखांकन सहायक होते हैं। व्यापार में कभी कभी ग्राहक व्यापारी के बीच किसी प्रकार व्यवहार को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाता है, ऐसी स्थिति में रखे गए हिसाब को दिखाकर मतभेद को दूर करने में बड़ी सहायता मिलती है। फिर न्यायालय में प्रमाण, लेखांकन से हमें ये भी एक लाभ है कि न्यायालय में प्रमाण, न्यायालय में व्यवसाय के सौदे संबंधी कोई भी मुकदमा अगर चल रहा हो है ना, तो उसकी विविधता रखी गई है, हिसाब की बाहियां, मतलब जो अपन लेखांकन बनाते हैं, आय व्यय, लेनदारी देनदारी, इस सबको प्रमाण रख के काय में अपन न्यायालय में, तक कोई मुकदमा चल रहा हो तो ये सब प्रमाण अपन न्यायालय में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत किया जा सकता है। व्यापार के मूल्यांकन में सुविधा, तो लेखा जो लेखांकन प्रणाली है उससे अपन को व्यापार के मूल्यांकन में भी क्या होती है, सुविधा है। नियमित उपयुक्त प्रणाली पर आधारित लेखों की सहायता से, मतलब जो लेखांकन है वो नियमित उपयुक्त प्रणाली के आधार पर और लेखों की सहायता से व्यापारी अपने व्यापार का सही लेखन का मूल्यांकन भी कर सकता है कि व्यापार में लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, इस सब के लिए क्या होता है लेखा जोखा रखने के लिए भी ये प्रणाली, ये लेखांकन के लाभ आवश्यक। फिर तुलनात्मक
आत्मक अध्ययन करने में सहायक लेखा प्रणाली लेखा के जो लाभ में है। विगत वर्षों में हिसाब में व्यापारी अनेक लाभदायक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। भविष्य में व्यापार के लिए बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्णय ले सकता है। तुलनात्मक मतलब कम मतलब एक दूसरे बराबर करना है ना, तुलना करना। तो वो विगत वर्षों के हिसाब से मतलब उसको पहले वर्षों में कितना लाभ हुआ कितनी हानि हुई उसकी तुलना में वह अपने अनेक लाभदायक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है और भविष्य के लिए व्यापार के लाभ को बढ़ाने हेतु आवश्यक निर्णय ले सकता है। फिर है कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रित करने में सहायक। तो लेखांकन का कर्मचारी वर्ग जो रखे जाते हैं जो अपने कार्य करते हैं किसी भी फर्म में किसी भी कंपनी में काम करते हैं हिसाब की सहायता से कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों छल कपट जालसाजी का पता लगाने की सुविधा लेखांकन में होती है। इस प्रकार कर्मचारियों का प्रभावपूर्ण नियंत्रण भी किया जा सकता है। साझेदारी व्यवसाय में सहायक। लेखांकन के लाभ में साझेदारी व्यवसाय में समझदारी के प्रवेश पर किसी साझेदार को अवकाश पर ग्रहण करने वाले साझेदारी फर्म को विघटन की स्थिति में व्यवस्थित रूप से रखने के लिए हिसाब की विभिन्न समस्याओं को हल करने में बड़ी मदद मिलती है। मतलब जो साझेदार होते हैं उनको मतलब जो साझेदार मतलब कोई भी कार्य अपन कर रहे हैं दो लोग मिलकर कर रहे हैं है ना, तो किसी एक साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी फर्म की मतलब जो व्यवस्था होती है हिसाब के रूप में वह समस्याओं को क्या कर सकता है, हल कर सकता है। ख्याति के मूल्यांकन में सहायक। विगत वर्षों में किए गए लेखों के आधार पर मतलब व्यापार में उसको क्या लाभ हुआ क्या हानि हुई उसको कितनी ख्याति प्राप्त हुई उसका भी मूल्यांकन वह सरलता से कर सकता है। दूसरा है कर्मचारियों को लाभ। व्यवसाय के कर्मचारियों के लेखांकन मिलने के लिए निम्नलिखित है। पहला है पारिश्रमिक संबंधी समस्याओं को दूर करने में सहायक। लेखा पुस्तकों को सुचारू रूप से रखने के लिए कर्मचारियों का वेतन बोनस पारस्परिक आदि संबंधित विवादों का निपटारा करने के लिए आसानी से लेखांकन का उपयोग किया जा सकता है। वो जो भी समस्या होती है कर्मचारी को उसको दूर करने के लिए लेखांकन की आवश्यकता होती है। कार्यक्षमता में मूल्यांकन में सहायक। लेखों के आधार पर कर्मचारियों की सहायता का मूल्यांकन किया जा सकता है। कर्मचारियों को अपने काम के प्रति क्या होते हैं, सजग हैं, उन्हें पुरस्कृत कर कार्यक्षमता में वृद्धि भी की जा सकती है। यह विनियोजन भी लाभ विनियोजन लेनदारों की एक मतलब उसके निम्नानुसार उपयोग है। मतभेद को दूर करने में सहायक। तो जो लेनदार होते हैं विनियोजक होते हैं लेखों के आधार पर किसी भी प्रकार के लेन देन में हुए मतभेद को दूर किया जा सकता है। आवश्यक सूचनाओं को प्राप्त करने में सहायक। लेखांकन का ये भी एक लाभ है। प्रत्येक विनियोजक को धन विनियोजित करने के पूर्व अनेक प्रकार की व्यापारिक सूचनाओं को प्राप्त करने की वह अपेक्षा करते हैं। कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे कोई भी कार्य शुरू करेंगे पहले अपन छानबीन करेंगे है ना, या उससे लाभ होगा हानि होगी। तो विनियोजकों को इस आवश्यकता को व्यापार में रखे गए हिसाब से संतुष्ट किया जा सकता है। तो लेखांकन से सरकार को भी क्या है, लाभ है। जो निम्नानुसार है वित्तीय सहायता में सहायक। हिसाब किताब की पुस्तकों का अवलोकन कर सरकार किसी भी व्यापारी को सरलता से वित्तीय सहायता उपलब्ध करा सकती है। तो वित्तीय सहायता होती है मतलब ये सरकार के लिए भी क्या है, लेखांकन लाभ है, लाभ है इसको। तो वित्तीय सहायता में सहायक होते हैं। उनका लेखा जोखा हिसाब व्यापारियों को सरलता से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के भी लेखांकन से लाभ। आर्थिक प्रगति में मूल्यांकन की सहायता।
व्यापारिक संस्थानों द्वारा लगाए गए लेखों के आधार पर देश की व्यापारिक एवं औद्योगिक लेखांकन का करारोपण में भी लाभ है ना। सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती है, जैसे आयकर, बिक्री कर आदि। इन करों के निर्धारण के लिए भी ये सहायक है ना। इससे लाभ है, वसूली के लिए किए गए लेखे बड़े सहायक होते हैं। चौथा है लाइसेंस प्रदान करने में सहायक, वो लेखांकन को लाइसेंस प्रदान करने में भी ये इससे लाभ है। उचित रीति से लेखे रखे गए हिसाब की जांच, सरकार व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए लाइसेंस प्रदान कर सकती है। व्यवसायिक कानून के संशोधन में सहायक, समय समय पर जो व्यवसायिक हैं उनके कानून में क्या होता है, संशोधन होता है, क्योंकि कार्य प्रणाली हमेशा एक सी नहीं होती बेटा। उनके कार्यों में, उनके कानून में भी क्या होता रहता है, संशोधन होता है। आवश्यकता उत्पन्न होती है, इस परिस्थिति में व्यापारिक संस्थान द्वारा रखे गए लेखे संशोधन हेतु सहायक सिद्ध होते हैं। पांचवा, उपभोक्ता को लाभ, लेखांकन से उपभोक्ताओं को भी लाभ है। विभिन्न वस्तु की बिक्री मूल्य के निर्धारण करते समय वस्तु की वास्तविक लागत का ज्ञान आवश्यक है। वस्तु की वास्तविक लागत उचित एवं पूर्ण लेखों से प्राप्त की जा सकती है। सही लागत के ज्ञान से उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तु की पूर्ति संभव होती है, उपभोक्ता बचत प्राप्त कर सकता है। ये हैं आपने देखा लेखांकन के लाभ। अब आप पढ़ेंगे लेखांकन की सीमाएं या दोष। मानवीय आवश्यकताओं में, मतलब जो मानव की आवश्यकताएं हैं, उनमें व्यवसाय और उद्योग निरंतर विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास के अनेक वित्तीय और अन्य पेचीदगियों को जन्म दिया गया है। परिणाम स्वरूप लेखांकन की निम्नलिखित सीमाएं हैं जो परिलक्षित हैं आपके, है ना। तो पहला है लेखांकन विवरण पूर्ण शुद्ध नहीं होते। तो लेखांकन का विवरण होता है, ये क्या पढ़ रहे हो आप, लेखांकन की दोष या सीमाएं। वो लेखांकन विवरण पूर्णतः कैसे नहीं होते, शुद्ध नहीं होते। लेखांकन में असत्य व बनावटी व्यवहार को सरलता से हिसाब में पुस्तकों में दर्ज किया जा सकता है। इस प्रकार के व्यवहारों को ना इस प्रकार की व्यवस्था लेखांकन में संभव नहीं। साथ ही ऐसी अनेक गणनाएं क्रियाएं अनुमानों पर आधारित होने के कारण निकाले गए निष्कर्ष सत्यता की निकट होते हैं और पूर्ण सत्य नहीं होते। जैसे अंतिम रहती मूल्य, खयाती का मूल्य आदि। लेखांकन के व्यवसाय वर्तमान विक्रय मूल्य का ज्ञान नहीं होता। स्थिति विवरण में व्यवसाय की संपत्ति को, उसमें पुस्तक मूल्य को दर्शाया जाता है। उनके द्वारा वर्तमान उन्हें उस समय बाजार में बेचकर प्राप्त किया जा सकता है। आवश्यकता यह आवश्यक नहीं है कि स्थिति विवरण को दर्शाए गए मूल्य पर ही संपत्ति का विक्रय किया जाए। लेखांकन व्यवसाय में वर्तमान में विक्रय मूल्य का ज्ञान नहीं कर लेखों आंकड़ों का मुंह होते हैं, मतलब जो लेखक होते लेखांकन होते हैं उनके आंकड़े कैसे होते हैं, मुंह मुंह समझते हो ना बेटा, जो बोलते नहीं सिर्फ दिखते हैं। लेखांकन से विभिन्न सूचनाओं और आंकड़ों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आंकड़े स्वयं नहीं बोलते, निकाले जाते हैं निष्कर्ष व्यक्तिगत विचारों को प्रभावित होने के कारण भ्रमित भी हो सकते हैं। तो ये आपने क्या पढ़ा बेटा, लेखांकन के दोष। कितने दोष हैं, कितने दोष हैं, चार। इन चार दोस्तों आपके लिए होमवर्क है बेटा, है ना। लेखांकन के लाभ लिखिए और सीमाएं या दोष का वर्णन कीजिए, यह आपका होमवर्क है बेटा। पहला प्रश्न रहेगा आपका लेखांकन के
लाभों का वर्णन कीजिए और दूसरा है लेखांकन के दोषों या सीमाओं का।